हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सिंगापुर व्लॉग सीरीज में आज हम जा गए हैं बे फ्रंट। यहाँ पर है द शॉपर्स एट मराइना बे सैंड्स। अगर आप सिंगापुर घूमने का आए हैं तो इस मॉल में ज़रूर आएं, क्योंकि ये यहाँ का सिंगापुर का सबसे बड़ा मॉल है। और यहाँ पर बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं, शनैल है, डोल्चिन गबाना है, और एप्पल का भी बहुत बड़ा यहाँ पर शोरूम है। आज मैं आपको यहाँ का शॉपिंग मॉल के अंदर जो है वो दिखाऊंगा, और उसी के साथ आपको दिखाऊंगा एक बहुत ही फेमस, मैं एक रेस्टोरेंट में यहाँ जाने वाला हूँ, वहाँ का बहुत ही जो फेमस चीज़ है वो खाने वाला हूँ, वो आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। तो गाइस ये देखिए मॉल, और अब आप ये देखिए, ये वाओ, एकदम जो वेनिस वाला स्टाइल है वो उसमें दिया गया है। और ये जो पानी आप देख रहे हैं, इसमें जो बोट चलती है उसमें आप भी जाके फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं। ये मॉल बेफ्रंट MRT से डायरेक्ट कनेक्शन में है। यहाँ पर जो मेट्रो है उसको MRT बोला जाता है, और आप बेफ्रंट की MRT लेकर डायरेक्ट यहाँ पर अंदर से ही रास्ता गया है, आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। इस मॉल में जो बड़े बड़े नामची रेस्टोरेंट्स हैं वो हैं, जैसे कि ये देखिए गोल्डन रामसे का ब्रेड स्ट्रीट किचन है, ये बहुत ही बड़ा शेफ़ हैं ऑस्ट्रेलिया के। और ये मैंने इनका एलाकार्टा का जो मेन्यू है इन्होंने बाहर लगाया होता, तो उसका भी मैंने एक छोटा सा क्लिप ले लिया है, देखिए। सो गाइस, मैं आज आया हूँ ब्लैक टैप क्राफ्ट बर्गर्स एंड बियर्स में। ये मैंने अपनी लिस्ट में जो सिंगापुर की जो मैंने विज़िट करना था उस लिस्ट में मैंने इसको डाला हुआ था कि मैं यहाँ पर आके यहाँ का जो बर्गर है फेमस और वो ज़रूर टेस्ट करूँगा, तो इसलिए मैं आज मैं आया हूँ। ये देखिए एक ओपन रेस्टोरेंट है, ये अच्छा सिटिंग एरिया है और अच्छी एकदम वाइब्स आ रही हैं इस पॉजिटिव। गाइस ये है यहाँ इसका मेन्यू, और मैंने यहाँ पर ऑर्डर किया है एक चिकन सैंडविच, यहाँ पे सैंडविच बोलते हैं बट वो एक बर्गर ही है, और एक की है क्राफ्ट बॉटल बियर की। ये देखिए पूरा मैंने आपको मेन्यू दिखाया। इस रेस्टोरेंट में मतलब बर्गर और जो बियर है उसके अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर बहुत फेमस हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने अब देखा कि यहाँ बहुत से लोग अलग अलग यहाँ पर ऑर्डर कर रहे थे। यहाँ मतलब आप पूरा लंच आके यहाँ पर कर सकते हैं, जस्ट ये नहीं है कि एक बर्गर शॉप है। और जो ड्रिंक्स भी कहूँ तो आपको मॉकटेल्स और कॉकटेल्स दोनों यहाँ पर मिल जाएगी, और चॉकलेट ड्रिंक्स भी यहाँ पर बहुत लोग ऑर्डर कर रहे थे, वो मैंने वीडियो में भी डाली है। ये है पूरा का पूरा रेस्टोरेंट, आप देखिए कितना सुंदर बनाया हुआ है। मैं ये है आउटर एरिया इसका, जहाँ पर भी आप बैठ सकते हैं और अपना जो मील है वो एंजॉय कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर इन्होंने एक बॉर्डर लगाया हुआ है कि आप जो अंदर हैं वो अलग दिखेगा। तो ये पूरा रेस्टोरेंट मैंने आपको दिखा रहा हूँ, ये सब अपना फूड एंजॉय कर रहे हैं। ये है इनका, ये है जो फेमस जो ड्रिंक है यहाँ पर, जो बहुत लोगों ने ऑर्डर किया, तब तो मुझे नहीं पता था ये वाला जो कॉफ़ी की जो ये ड्रिंक है, कॉफ़ी चॉकलेट है शायद ये। ये देखिए वाओ, फुल ऑफ कैलोरीज। अब मैं वेट कर रहा हूँ अपने ऑर्डर का। सो गाइस, आ चुकी है मेरी ये कि क्राफ्ट लेजर बियर। पीने में मुझे थोड़ी सी ये कड़वी लगी, उतना टेस्ट अच्छा नहीं लगा जितना मुझे इंडिया में जो बियर वगैरह है उसका टेस्ट लगता था। सो अब वेट कर रहे हैं बर्गर का। सो गाइस, वेट इज़ ओवर। ये देखिए मेरा जो क्राफ्ट बर्गर कहूँ या सैंडविच जो भी है ये समझे, वैसे मैं तो बर्गर ही बोलूँगा उसको, आ गया है। सो गाइस, इस बर्गर में आया है क्रिस्पी चिकन, और आया है एक बटर मिल्क कोलेस्लो, और स्पाइसी मेयो है, ये फ्रेश लाइम। साइज़ में तो ये बर्गर बहुत ही बड़ा है, इतना मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया। ये देखिए पीस, देखिए चिकन का कितना बड़ा रखना भी है। उसके साथ आई है ये बटर मिल्क कोलेस्लो। तो ये देखिए वाह भाई वाह, मज़ा ही आ गया, इतना बड़ा बर्गर। ये देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए बहुत बड़ा पीस है ये, शायद कैमरे में उतना अच्छे से नहीं आ पा रहा होगा, बट बहुत ही बढ़िया। और इसके साथ देखिए, जब मैंने ये उठाया तो लेटस, टमाटो, और ये शायद जो खीरा टाइप होता है, ये मेरे को उसका नाम एग्जैक्टली नहीं पता क्या है। और इसको काटने के लिए दिया इन्होंने अलग से नाइफ। इसको पहले मैं टेस्ट करता हूँ। अच्छा है ये भी, खीरे से थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा खट्टा खट्टा है बट अच्छा लग रहा है। सो गाइज, मैंने तो जस्ट नेट पे पढ़ के कि ये बहुत फेमस है और मैंने ये ट्राई किया है, बट
मुझे नहीं पता था ये इतना डिफरेंट है और इतना ज़्यादा बढ़िया, मतलब मुझे इतने अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ ये मुझे ये बर्गर देंगे। सो अब इसको टेस्ट करके देखते हैं। चिकन जो है एकदम क्रिस्पी है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। इसका लेटस भी खाते हैं। भाई मज़ा आ गया, फर्स्ट टाइम जो मैंने इतना बढ़िया और टेस्टी बर्गर टेस्ट किया है, मैंने मज़ेदार है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। ये मस्ट है यार ट्राई करना। ये बर्गर इतना बड़ा है कि अभी तो मैं इसके जो बन है उस पर तक पहुँच ही नहीं पाया हूँ, अभी तो जस्ट मैं चिकन का ही टेस्ट ले रहा हूँ। सो गाइज़, आप यहाँ पर जो मुझे बियर है वो तो इतनी अच्छी नहीं लगी है, तो थोड़ी कड़वी लगी है, तो अगर आप यहाँ आएँ और मेरा इस वीडियो को देखें तो ये वाले बियर तो अवॉइड ही करें। सो गाइज़, बर्गर हो गया है मेरा फिनिश और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, मतलब बहुत ही नज़ारे आ गए, मतलब मज़ेदार था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। ऐसा मैं बर्गर मैंने पहली बार ट्राई किया है और पूरा एक ही बर्गर से पेट भर गया अच्छे से। तो इस बर्गर को मैं दूंगा 10 out of 10 पॉइंट्स। हाँ एक बात और, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव था बट वर्थ इट था। मुझे स्टार्टिंग में लगा कि मैंने थोड़ा एक्सपेंसिव ऑर्डर कर दिया है। ऑल राइट गाइज, तो इसी के साथ मैं करता हूँ इस वीडियो को एंड। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।